नमस्कार दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग इस समय शॉर्टकट रास्ते से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नूर की तरफ जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केरला हेल्थ यूनिवर्सिटी एक आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा रही है, जिसका दारोमदार इस मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। और यहाँ पर पूरे केरला के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस आर्ट फेस्टिवल में सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है, जैसे कि एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हम मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं और जो जो प्रोग्राम चल रहा होगा मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें मेरा कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, लेकिन अगर कोई और भी प्रोग्राम रास्ते में दिखता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब मैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी उनका कार्यक्रम कुछ देर बाद चालू होगा।
आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री लेक्चर हॉल में काफ़ी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ഒരു മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ അനുഭവമാണ് വിശപ്പ്. ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്നവരെ മനുഷ്യനും കാണാൻ കഴിയും. ഇന്നും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നത് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ ക്രൂരതയ്ക്ക് നാം പങ്കാളിയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിശക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ശനുയർത്താം. ഇന്നലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി മൃതദേഹം ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ